देखो क्रिश को देखो जरा, ये इसके अंदर कौन है? कौन है इसके अंदर? चा क्रिश, बाहर निकलो, अंदर कोई है क्या? अरे बाबा रे, देखो मेरे कीड़ा, मेरा कीड़ा, मेरा कीड़ा क्या क्या करता रहता है देखो। सारा बिस्तर में से कंबल, तकिया, चादर वादर सब निकाल लिया। निकाल के यहाँ पे पता नहीं अजीब से घर बनाया, एसी चालू करा, बैठा हुआ है। तो कह रहा है मैं लॉकडाउन में क्या करूँ? मैं लॉकडाउन में पढ़ाई करो तो वो तो अच्छा नहीं लगता बच्चों को। ये देखो नीचे से सब लिया, ये ईशा की बिस्तर है। तो ऐसा ही करता रहता है मेरे साथ। लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री टाइम है इसके पास। तो चलो नीचे चलते। फेंक दो। तो ये पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था ना, इसको बंगाली में कहते हैं कोसू, पानी कोसू, शूला कोसू, कई तरीके का नाम है इसका। तो पानी के अंदर रहता है इसलिए कोसू के मतलब पानी कोसू कहते हैं। तो इसको काटते कैसे, सिलते कैसे, वो दिखा रही हूँ। बंगाली लोगों को तो पता है, जो मेरे बंगाली भाई बहन उनको तो पता चल ही जाएगा क्या कर रही है, कैसे बनाना है। तो आप लोगों के लिए अनकमन सब्जी है, तो देख लो इसको कैसे काटा जाता है, सिला जाता है। सिल के इसको अच्छे से धो लूँगी, धो कर फिर पीस 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 करूँगी छोटे छोटे। तो चलो, तो इसको मैं धो के लाई अच्छे से रगड़ रगड़ के एक एक करके। तो इसको ऐसे झटपट पीस कर लेना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल में जो भी आते हो इस पे हम कमेंट मत करना, वीडियो को कम से कम 3 मिनट से ऊपर देखने की कोशिश करना, उसके बाद कमेंट करना। तो ठीक है, और जो मेरे फ्रेंड शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़े उनको मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो न्यू फ्रेंड आ रहे हो चैनल को देखना, सब्सक्राइब करना, और जाते जाते एक छोटा सा लाइक कर देना। तो चलो इसको काट रही हूँ, देखा कैसे काटते हैं, वैसे ही काटते हैं इसे। चलो गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं शवावारा। तो चलो किचन में, आज संडे, संडे मतलब फंडे। तो लॉकडाउन में क्या संडे क्या फंडे पता तो कुछ होते नहीं है। तो मैं जो सब्जी काट के गई थी ना, उसी की रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों से। तो चलो कैसे बनाया जाता है उसको। तो यहाँ पे थोड़े से कच्चा सा उल्ली हूँ, इसको ड्राई रोस्ट करूँगी करूँगी, उसके बाद दिखाती हूँ और क्या क्या ऐड करना है इसमें। साबुल मेरा रोस्ट हो गया, तो अब इसमें ले सफ़ेद वाले तिल। सफ़ेद तिल मैंने उसको हमें अच्छे से रोस्ट करके मैंने ठंडा करके डब्बे में भर के रख दिया ताकि ख़राब ना हो। तो चावल मेरा रोस्ट हो चुका है, तिल ऑलमोस्ट पहले से रोस्ट कर चुकी थी, तो थोड़ा सा और हिला रही हूँ, गर्म हो जाएगा इसके साथ, अच्छी खुशबू आ जाएगी, फिर निकाल दूँगी इन दोनों को। खुशबू आने तक रोस्ट करना इन दोनों को, थोड़ा सा लाल लाल भी हो जाएगा। हो गया, दे दिया तेल, तेल गर्म हो गया, रादोनी जो मसाला फोड़न दे दिया, फोरन जिसको कहते हैं हिंदी में, और दिया लाल मिर्च, तेज पत्ता, कटी हुई हरी मिर्च, और वो जो मैंने सब्जी काट के रखा था ये डाल दिया इसके अंदर। तो इसको नमक हल्दी डाल के थोड़ी देर हिला के इसको ढक के रख दूँगी। जब एक थोड़ा सा ही बन जाएगा, गल जाएगा, बिल्कुल गल कर थोड़ा सा, जैसे साग होता है ना, ये भी एक तरीके की साग टाइप का ही है, तो साग की तरह थोड़ा सा ज़रा सा बन जाएगा ये। उसको मैंने ढक दिया, थोड़ा सा पानी यानी निकाल आएगा, थोड़ा हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो जो मैंने तिल और चावल को रोस्ट किया था ना ड्राई रोस्ट, और जो कोना बनाया था कल वीडियो में देखा, जिन्होंने देखा होगा, तो वही दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, सही बन गया एकदम। तो इसको बिल्कुल एक बार एक पाउडर बना लेना है धीरे धीरे करके, आराम आराम से, नहीं तो तेल चावल सब देखो छिट छिट के बाहर आ रहा है, तिल
तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से, ऐसे लग रहा है अभी कच्चा खा जाओ। तिल और चावल पीस रही हूँ ना, बहुत बढ़िया वाली खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो चलो इसको पीस लेते हैं, फिर उधर सब्जी का क्या हाल है वो देख लेते हैं। तो इसको ढक्कन उठाकर बीच में एक बार मैंने हिला दिया था, तो मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, मैंने नमक चेक करा था ना तो बहुत तीखा लग रहा था। तो इसके अंदर जो मैंने लाल मिर्च फाड़ के दिया था ना उसको निकाल रही हूँ, इसको अभी जब घोटूंगी ना तो और ज़्यादा तीखा हो जाएगा। तो ये थोड़ा तीखा चटपटा ही अच्छा लगता है, नहीं तो गले में खुजली होने का डर रहता है। तो तीखा तो बहुत हो गया, तो मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के साइड कर रही हूँ, खाना होगा बाद में इसमें से लेके खाएंगे, लेकिन अभी निकाल देती हूँ। ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो फिर मेरे हस्बैंड भी गुस्सा करेंगे, जितना तीखा क्यों बनाया। तो चलो इसको अच्छे से घोट लेते और फिर ढक दूँगी, फिर बाद में दिखाती हूँ। सॉरी, तो देखो ये पक चुका है, खूब अच्छे से कोट कोट के मतलब उसे सब इसको पका लिया, घोट लिया। तो जो तेल और चावल मैंने मतलब उसका जो वो बनाया था पाउडर बनाया था वो डाल दिया आधा से ज़्यादा। अब इसको दे करके अच्छे से घोट लेना है, इसे भरता टाइप का बना लेना है। तो ये तिल और चावल की खुशबू है ना इसके अंदर, यही है सबसे कमाल की चीज़। और लहसुन के तड़का देके भी बनाते हैं लोग, इसके अंदर उबला हुआ चना भी डालते हैं, हर किसी का अलग अलग पसंद है, लेकिन मुझे ऐसे ही ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद है, मेरे को और मेरे सासू माँ को तो बहुत पसंद है। जब मम्मी आती है ना तो मैं ज़्यादा ज़्यादा बनाती हूँ। तो अभी मेरे अकेले के लिए लाए, तो देखो अगर हस्बैंड को पसंद आए तो खा लेंगे। ये देखो बन चुका है, तो कमेंट में बताना ये बंगाली वाला रेसिपी कैसे लगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को कहीं मिल जाए वाली सब्ज़ी, जैसे बंगाली मतलब बंगाली लोगों का मार्केट होता है वहाँ पे तो ज़रूर मिल जाता है, लेके ऐसे करके पका कर खा के देखना, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलो मेरी रेसिपी कंप्लीट हो गया, तो मेरा खाना बन चुका है। तो थोड़ा सा टाइम है मेरे हाथ में, हस्बैंड अभी आने में उनको टाइम है। तो सामने मेरी भाभी, उन्होंने दो चार सूट दिए है, इसको कटिंग करना है, सिलाई करना है। तो सोच रही हूँ अभी टाइम है तो ये कस काट के रख देते हैं, तो बैठे बैठे सिल भी लेंगे। कटा हुआ रहेगा तो सिल जाता है, अगर कटने के अलग से फिर सिलता भी नहीं। तो पहले कुर्ती काट लूँगी, पहले ये काटूँगी, एक काट के फिर सिलाई करूँगी। तो मैं कमीज कटिंग की वीडियो एक दिन आप लोगों सबको दिखाई, तो आज मैं अपने आइडिया से काटती जा रही हूँ। मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं रही हूँ, बस मैं कटिंग कर रही हूँ वो दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को कटिंग का वीडियो देखना है तो बोलना कमेंट्स में, मैं दिखाने की कोशिश करूँगी दोबारा। तो ले लो, झटपट काट ले रही हूँ, हस्बैंड भी आ जाएंगे फिर खाना वाना खाना होगा। तो मैं बता नहीं रही हूँ ना आप लोगों को, तो आइडिया से काट रही हूँ तो जल्दी जल्दी काट भी ले रही हूँ। तो इस करके खाली कुर्ती कुर्ती काटूँगी, कह रही दीदी मैं बाहर चले गई नहीं तो प्लाजो ले लूँगी, अब खाली कुर्ती सिल देना मुझे। तो इसकी लंबाई मैं पूरी रख रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग कुर्ती ठीक रहता है प्लाजो के साथ, तो लेगी के साथ। तो ये दो तीन तीन सूट हैं, तो एक नाप से मैं सारा काट लूँगी इस तरह से। हेलो, कट गया, थोड़ा सा मार्क लगा दे रही हूँ काट के, ताकि सिलते टाइम मेरा थोड़ा सा काम आसान हो जाए। साइड में जोड़ है उसको काट के अलग कर देती हूँ। हेलो, कट गया। यहाँ पे मैं बाजू काटूँगी, 18 इंच लंबाई ले रही हूँ, मोड़ के ऊपर से आधा इंच जाएगा, नीचे से 1.5 इंच 2 इंच जो भी जाएगा, तो 15 इंच रखूँगी। तो मैं अपने आइडिया से काटते जा रही हूँ, आप लोग देख लो।
तो मैं जैसे काटती हूँ वैसे ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, कैसे में बिल्कुल भी धार नहीं है। क्रिश तो ऐसे ऐसे काम करता है, बस हाथ की जोर लगाना पड़ रहा है तब जाके काट रहा है। कुछ नहीं कर सकते, जब तक लॉकडाउन है घर में है तो कुछ ना कुछ मेरा खराब करता रहेगा, काम बढ़ाता रहेगा। तो यही जो बाजू में थोड़ा सा फ्रंट साइड में थोड़ा सा डाउन करना पड़ता है वही कर रही हूँ। हाफ इंच आधा है, मतलब 1 इंच के करीब, 1.25 इंच कर दिया मैंने कटिया बाजू। तो यहाँ पर 3 शूट है, मैंने 2 काटी हूँ और इसके काट के मैंने ये तय लगा के रख दिया। जब मन होगा लेके बैठ जाऊँगी, जितना सिल पाऊँगी उतना सिल के रखूँगी। ये गला बनाने के लिए पट्टी वट्टी तिरसा पट्टी वगैरह मैंने काट लिया, तो कटा हुआ रहेगा ना तो सिलना थोड़ा आसान हो जाएगा। पंखा चला के फिर काट नहीं पाऊँगी, उड़ जाता है, बड़ा दिमाग ख़राब होता है गर्मी में। तो इसको अभी बांध के रख देती हूँ। तो दर्जी लोग जैसे रखते हैं ना बांध के समेट के, ताकि चीज़ खोए ना, एक जगह ही रहे। तो हस्बैंड मेरे आ गए, लंच टाइम हो गया हमारा, तो चलो ऊपर वाले रूम में चलते हैं। हो गया, चलो। किसका वो ऑर्डर है मम्मी पिज्ज़ा बनाना, तो पिज़्ज़ा शाम को बनेगा तो उसके लिए डो बना के रखना ज़रूरी है। तो मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी लिया है, देखो ईस्ट मेरा इसमें पानी घुस गया था तो जम गया ईस्ट, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा जमा हुआ है। तो बढ़िया वाला ईस्ट था, बहुत अच्छे से जो बनाती थी ना बहुत अच्छा वाला बनता था, लेकिन देखो क्या होता है, मुझे तो लग रहा है ईस्ट में कमी आ गया, पुराना भी हो गया पानी भी घुस गया, दे दिया 1 चम्मच चीनी। इस टाइम इसमें नमक बिल्कुल मत देना, नमक देना जब आप आटा मतलब मैदा डो बनाओगे तभी। इसको अब मैं 10-15 मिनट ढक के रखती हूँ, तब तक हम लंच कंप्लीट करके आते हैं, उसके बाद डो कैसे बनाते वो दिखाऊंगी। ढक देती हूँ 15 मिनट। खाना आना खा चुके, तो इसको मैंने एक बार घोल दिया था, देखते हैं क्या होता है। तो अब इसमें 1/2 किलो मैदा ही है और 1 गिलास पानी, बिल्कुल परफेक्ट होता है। थोड़ा सा क्या दे दिया, नमक, हाथ से गूंद लेती हूँ अच्छे से। ठीक है, तो मेरे क्रिश का तो पता नहीं क्या क्या ऑर्डर है, क्या क्या मन करता है उसका। तो पिज़्ज़ा डो ना हमेशा थोड़ा सा ऐसे ही क्या कहते हैं, टाइट नहीं गूंदते, जैसे रोटी से भी थोड़ा ढीला गूंदना पड़ता है इसको। अगर ज़्यादा टाइट करोगे ना तो पिज़्ज़ा भी टाइट हो जाएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखो मेरा 1 गिलास पानी 1/2 किलो मैदे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें 3-4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दूँगी, डाल के इसको अच्छे से गूँध के 2-3 घंटे के लिए ढक के रख दूँगी। तो अभी तो खैर 3 बज रहा है, मैं शाम को 5-6 बजे बनाऊँगी, जब बनाऊँगी तब। इस वाले वीडियो में शेयर नहीं कर पाऊँगी मैं पिज़्ज़ा बनाना, अगले वाले वीडियो में। तो आज बस डो ही बना रही हूँ। तो मेरे वीडियो कैसे लगा, कैसा था मेरा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को आगे नहीं बढ़ाती हूँ। पिज़्ज़ा डो ढक के रख देती हूँ 2-3 घंटा, अगले वाले वीडियो में देखना पिज़्ज़ा बनाना। बाय।